इट्स अ वीडियो प्रॉपी रख रहे भाई वहाँ घर को ले गया था क्या और ये हमारे केसीआर अन्ना उनकी मेहनत की कमाई से जो इसे बने सो ये 1,000 करोड़ रुपए लगा के हाउ द जोश वॉइस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन माय नेम इज ज़ैन खान एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय व्लॉगिंग चैनल सो रिसेंटली मैंने पाकिस्तान एंड नैदरलैंड मैच के कुछ वीडियोस कैप्चर किए थे जो आपको ये वीडियो में देखने को मिल जाएंगे एंड मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आप सबसे वीडियो देखने के बाद अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट्स करना चाहिए कुछ चेंजेस करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करिए आई एम नॉट ए प्रो आई एम अ बिगिनर सो आई नीड योर सपोर्ट सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर करिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भी करिए प्लीज़ ओके टिल देन बाय तो दिन की शुरुआत हमने जिम से की वर्कआउट करने के बाद ब्रश किया शावर लिया फिर रेडी हो गए रेडी होने के बाद मुझे याद आया कि हम लेट हो रहे हैं बिकॉज मुझे 10 AM को पहुंचना था स्टेडियम को एंड मैं स्टिल जिम में एंड इट्स 10 AM राइट नाउ फिर उसके बाद हमने लिफ्ट का वेट किया लिफ्ट आ गई हम जा रहे हैं नीचे अपनी बाइक के पास एंड ये है सेक्रेटेरिएट जो हैदराबाद का न्यू प्राइड है जो हमारे KCR अन्ना ने बनाया है आज शुक्र है ट्रैफिक नहीं है आज वरना मैं सब गया था दिन पूरा फाइनली हम लोग पहुंच गए जहां पर पुलिस की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है एंड मैंने टी शर्ट चेंज किया उसके बाद धूप को नोटिस किया धूप ख़तरनाक है लोग एंड ये रहा हमारे उपल स्टेडियम का व्यू जो आप लोग देख सकते हो उसके बाद हम लोग अंदर आ गए एंड अंदर देखा अंदर तो और ज़्यादा सिक्योरिटी है ब्रो सीरियसली ओके ओके नाउ आई गॉट इट एक्चुअली हैदराबाद के कुछ लोकल पॉलिटिशियंस पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स दे रहे थे दैट्स वाई इतनी सिक्योरिटी है एंड ऑल्सो पाकिस्तान जिस होटल में रुकी है वहाँ पर तो और ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है मैंने वहाँ की वीडियो कैप्चर नहीं की इफ़ पॉसिबल तो मैं आपको बताता हूँ बाद में एंड मैं अभी आप लोगों को VIP हॉल में लेके जाऊँगा जहाँ आज मैं दिन भर बैठ के मैच देखने वाला हूँ ओके एंड लिटरली ये लाइफ का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द सेंस VIP हॉल में फर्स्ट एक्सपीरियंस है इट्स मीन्स लग्जरी और ये रहा लग्जरी व्यू जो बहुत प्यारा है ब्रो एंड महंगा भी एटलीस्ट 1 लाख तो पर पर्सन पर हेड जो इसे चार्ज करते हैं वो लोग और ये वाला एरिया तो मेरा फेवरेट है ब्रो यहाँ बैठ के मैं लंच करने वाला हूँ डेफिनेटली और यहाँ से हम मंदिर से बाहर इजीली देख सकते हैं बिके बाद हमने बाबर भाई को कैप्चर किया जहाँ पर पब्लिक बाबर कहकर चिल्ला रही थी भाई ने रेस्पॉन्स दिया बट वो वीडियो में कैप्चर नहीं हुआ एंड पाकिस्तान एंड नैदरलैंड के मैच के लिए उतनी पब्लिक आई भी नहीं थी बिकॉज उतना क्रेज़ है नहीं आप देख सकते हो स्टेडियम पूरा स्टेडियम खाली है ये मैच स्टार्ट होने के 20 मिनट पहले का व्यू ही है अरे ये क्या भाई ने तो विराट भाई का पोस्ट कॉपी कर लिया इसलिए ग्राउंड में सब लोग विराट के एंड यहाँ पर एक बाबर की बहुत बड़ी फैन दिख रही है जो जब से बाबर के चिल्ला रही है एंड वीडियो क्वालिटी के लिए सॉरी नेक्स्ट टाइम बेटर कर लूँगा एंड ये रही है हमारी ट्रॉफी जो बहुत प्यारी है सामने से हट मेरे भाई अरे ब्रो मेन टाइम पे लोग सामने क्यों आ रहे थे पता नहीं एंड फोटोज़ वीडियोज़ के कुछ सेशन थे जो हो गए उसके बाद भाई ट्रॉफी लेके जा रहे हैं वेरी लकी पर्सन उसके बाद मैं स्टेडियम के अंदर चले गया एज यू नो हाई प्रोफाइल लोगों के साथ में हमें तो ऑब्वियसली मुझे परमिशन थी एंड इसके बाद ये कुछ स्टूडेंट्स कुछ तो लेके जा रहे हैं अंदर जो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये तो बसेस लिट है ब्रो लंच बांट रहे हैं या वाटर या फिर कुछ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो लोग ओके हम लोग लेट मी शो यू समथिंग अभी बाहर से देखिए आप लोग अंदर का कुछ नहीं दिख रहा है ओके
अभी हम अंदर जाके चेक करते हैं। अंदर से जितने भी व्यूअर्स है वो सब लोग बाहर का प्रॉपर देख सकते हैं, वो भी इन क्लैरिटी। ब्रो लिटरली पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं। एंड ये मुझे भी आज फर्स्ट टाइम पता चला, इससे पहले इसका आइडिया मुझे नहीं था। एंड ये मेरा भाई जो है सो इतनी गर्मी में ये सूट पहन के हार्ड वर्क कर रहा है, हैट्स ऑफ यू ब्रो। और ये फोटो सेशन चल रहा है, फोटो सेशन इन द सेंस आई मीन वो लाइव फ़ोटो कैप्चर करके एमिरेट्स के कार्ड में कैप्चर करके देंगे। उसके बाद मुझे भी फ़ोटो क्लिक करना था, सो मैंने वो लोग को अप्रोच किया, तो दे सेड यस। फिर मैंने अंदर जाके वो लोग के साथ फ़ोटो क्लिक कर लिया। एंड आफ्टर दैट सिक्योरिटी रूम में मेरा कैमरा रखा हुआ था, सो कैमरा चेक किया हमने, प्रॉपर वर्क कर रहा था। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। एंड ऑल्सो बाकी के जो क्लिप्स हैं मैं पार्ट टू में डाल दूंगा, बिकॉज मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स देखना है, उसके बाद ही मैं पार्ट टू अपलोड करूँ। अभी देखते हैं, हमारे पास एक्यूरेट कार्ड नहीं है, वो लोग बाहर जाने देते हैं या नहीं, बिकॉज एक्यूरेट कार्ड के बगैर ना अंदर आने देते ना बाहर जाने देते। लेट्स सी व्हाट दे विल डू। मत चेक करो, मिशन सक्सेसफुल। यहाँ पर तो पूरी रोड ही ब्लॉक करके रख दी है पुलिस वालों ने, बहुत टाइट सिक्योरिटी है। एंड उसके बाद मेरे पास बाइक नहीं थी, बिकॉज मॉर्निंग मुझे मेरे फ्रेंड ने ड्रॉप किया था। उसके बाद हमने बस से ट्रैवलिंग की, बहुत टाइम बाद। वो भी मैंने एक सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी, जो कि मैंने मेरे कज़न ब्रदर को रिसीव करने के लिए बुलाया था, जो एक घंटा कर दिया आने के लिए। सो एक घंटा वेस्ट हो गया मेरा। उसके बाद फाइनली वो आज हमारी वजह से इतनी देर हो इसमें, अब से वेट कर रहा हूँ।